अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद होंगे, अल्लाह करम होगा। मैं हूँ शाम सजीद, आप देख रहे हैं गरीब ब्लॉग। तो आज मौसम बड़ा मज़ेदार हुआ है, बारिश देख सकते हैं, बारिश लगी हुई है और मौसम वगैरह भी कई मज़े के आए हुए हैं, धुंध धुंध भी हो रही है हल्की हल्की और रेन भी इंजॉय कर रही है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार मौसम है। पर साथ आपको बताता हूँ, एक अपडेट देता हूँ, क्या मज़े हैं बारिश के साथ। अभी तकरीबन यार मिलने वाले, नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता क्यों नहीं किया हुआ। और ये देखें, ये आपको दिखाता हूँ, पुराने ज़माना वापस आ गया। लकड़ियाँ की तरह ढूंढी है, दो लकड़ियाँ मिली उसको जला के बैठे हुए हैं। अब तो लकड़ियाँ जलाना भी भूल गए हम किस तरह जलाते हैं। और अब चाय बन रही है, तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है, कभी आग बुझ जाती है, भूखे मार मार के आँखें देखे रोना आया हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, अब दुआ करें चाय पी लें और मौसम देखें साथ, सही मसीन हुआ है, मज़ेदार हुआ है। चाय जब तक चाय बनती है तो मैं देखता हूँ, फूके झूके मार के आता हूँ उसको। अभी आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें जी, पुराना टाइम वापस आ गया है। चाय बन रही है, तकरीबन आधे घंटा हुआ है, आग कुछ अब जलना शुरू हुई, पर छोटी लकड़ियाँ नहीं है इसका, कि बड़ी लकड़ी को जलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो बस अल्लाह खैर करे, धुआं आने लग गया मेरी आँखों की तरफ। ये हाल है जी, बस रो रहे हैं, सुबह सुबह रो रहा दिए गैस वालों ने, क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है। मुबारक हो, मुबारक हो, बारी आ गई तकरीबन आधा पौने घंटे बाद दोबारी आ गई, पर हम कामयाब हो गए इतने अरसे बाद आग जलाने में। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब इंशाल्लाह रोटियां भी बनेगी, बनेगी हाँ। आग तो अब सही हीट वाली होगी है ना। एक बार लकड़ी के ऊपर जो चाय बनती है, ओहो पूरे मेरे कंप्यूटर हाल में धुआं ही धुआं हुआ है। एक बात है, किचन जो लकड़ी पर चाय बनती है वो बहुत कड़क बनती है, पर इसमें धुआं बहुत था, धुएं का जायका भी आएगा, पर क्या करें, गुजारा करना है बारिश के। और ये यादगार बनानी है, यादगार हो गई है, क्योंकि रोटियां चीज़ें बाहर से ला सकते, चाय बाहर से तो नहीं ला सकते ना, फिर उसको तो आपने कोई ना कोई जुगाड़ करना चाहिए। तो गैस के ये मज़े हैं हमारे पास। और बादल आप दिखाऊँ आपको, देख सकते हो मज़े का मौसम हुआ है सारा। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह पराठे बन रहे हैं जी, तंदूर की रोटियाँ गर्म हो रही हैं जी। ये मुझे पुराने टाइम याद आ गए, हाँ जब गैस नहीं होती थी इस इलाके में। वाह जी वाह, वाह जी। चलो हमने कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अलग किया है कि चाय नाश्ता बना ही लिया है, रोटी के बाद में देखेंगे या नहीं खाएंगे। वैसे 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 भी 12 बज गए हैं, क्योंकि नाश्ता रोटी एक साथ ही हो गया। अब अभी जी पराठे तैयार हो गए, नोजा नोजी हो गए, माशाल्लाह से पराठे तैयार हुए। अंडे भी ले आता हूँ, दो एक अंडा, दो अंडे बन जाए यहाँ पे। आज सारा काम जो है ना आग पे बनेगा, और काम नहीं लगा हुआ, बस ये धुएं से नाक बंद हुआ है। अभी दो अंडे ले लिए, जाते हैं ऊपर। आज ये भी वो गिरता था, अभी ये भी आग पे बनेंगे। अभी आग पे जी अंडा बनने लगा है। जो लोग गांव बेंच रहते हैं उनको तो अजीब नहीं लग रहा होगा, पर हमारे यहाँ पे ये यूनिक बात है, जब गैस ना हो तो ऐसा काम हमने काफ़ी सालों बाद। क्यों इस तरह से हमारा कीमती नाश्ता तैयार हो गया, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। फाइनली अब नाश्ता करने लगे, तकरीबन 12:15 का टाइम हो गया है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी नाश्ता कर लिया और छत पे आया हूँ, मैं थोड़ा अपना काम वगैरह करूँ, ऊपर ऑफिस बनाया हुआ है, इंशाल्लाह इसका टूर कराऊँगा। अभी सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई ऑफिस की, इंशाल्लाह इसका कंप्लीट टूर हो जाएगा। जब टूर कह रहा हूँ कम्प्लीट इसको कर लूँगा सेटअप वगैरह, तो इंशाल्लाह आपको टूर कराऊँगा। अभी करते हैं काम, फिर साथ साथ आपको आपके साथ बात होती है। अभी अपनी कंप्यूटर पर काम कर रहा था, अब जाता हूँ नीचे और आग लगाते हैं, खाने के लिए इंतज़ाम करने, गैस अभी तक नहीं आई और ये रीम मस्तियाँ कर रही है। तो अभी यहाँ पे सारी जगह गीली हो गई, बाहर थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो वहाँ पे इंतज़ाम कर रहे हैं आग जलाने का। ये जी इधर अब इंतज़ाम कर रहे हैं, हल्ला करके इस पर खाना बन जाए। इसे तेल लेके आता हूँ, थोड़ा सा मेरे तेल पड़ा हुआ है, तो उससे इसको लगाते हैं आग। ये पड़ा हुआ है तेल, इससे हो जाएगा काम थोड़ा जल्दी आसान। तो वह क्या शहर बन गए है, हरी मेरे पीछे पीछे। अब जाके आग लगाते हैं खाने को पकाने के लिए, अल्लाह खैर करे, आज तो पूरा दिन ही ऐसा है, क्या होगा जी। अभी आग लग चुकी है जी, ये थोड़ा सा तेल डाला है इसके ऊपर, तो ये इस तरह से अल्लाह करेगा जल्दी आग लग जाएगी।
तक तो आग लग गई, अभी धुआं लगा है। कमेंट में बताएं कि आपके पास भी गैस का मसला होता है, गैस की लोड शेडिंग है कि या आपकी लकड़ी वाला अब तक इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तो ये देखें, हाँ लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो अभी आग लगती है, इसके ऊपर अभी खाना वगैरह बनेगा, वो भी अपडेट करूँगा क्या बन रहा है मुझे नहीं पता अभी तक। तो ये देखें जी, इकट्ठे परिंदे कहाँ से आ गए हैं जी। ओह हो, ये बलात खा के हैं लगता है। हमारी अकलौती चरपाई जो ख़राब हो चुकी है, ऊपर छत पर पड़ी हुई है, चरपाइयाँ और ख़त्म हो गई हमारे घर, हम दे दी इधर उधर, और आग ये माशाल्लाह ठीक ठाक हो गई है। रो रहे नहीं है भाई एक गैस वालों के डिपार्टमेंट गया तो हम रो गए हैं भाई। मेरे धुओं को जो आ रहा है धुआँ, उससे आँखें ऐसे दिमाग पे चढ़ गया हुआ है। अल्लाह खैर करे, तो आपको दिखाता हूँ क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है आज हमारे घर। तता है ढकना थोड़ा सा तता है। अच्छा ये जी मुर्गी बन रही है, पुलाव बन रहा है। अल्लाह करे खैर करिए से पुलाव बन जाए। आई होप सो, गैस अभी तक नहीं आई ना। नहीं, बस यही जी, अल्लाह करेंगे बनेगा, आपको अपडेट करेंगे कैसा बनता है। लकड़ियों में बताया अच्छा बनेगा, चाय जो पी है उसमें जो खुशबू आ रही थी वाह उसका अपना ही मज़ा था। चाय जो बनी नाश्ते के लिए, उसमें ऐसा लग रहा था कि हमने कुछ चीज़ मिलाई हो ना, जैसे प्लास्टिक में गजाय का भी आ रहा है, धुएँ का भी आ रहा है, अलग अलग फ्लेवर आ रहे थे आज चाय में, पर ये मज़ा आया, इंजॉय किया। बच्चा ये काम कर रहे, शाबाश शाबाश, पानी पाओ, थैंक यू। मेरे साथ काम कर रहा है क्योंकि यहाँ भी आएगा कोयला है सारा, जो हमने आज जिनको नाश्ते के लिए आग लगाई थी तो स्लिप भी हो गया था। थोड़ा जा पानी आना, थोड़ा जा, ये मेरे साथ हेल्प कराने वाली बहुत अच्छी बच्ची है रीम। स्लो हो गई, इसको सही करते हैं। ये तो ओए सारी खुश्क हो गई है, फूंक मारते हैं, मैं इतना वीडियो रोकता हूँ। ओहो लग गए जी, कामयाब हो गए हम, कामयाब। फिर हमें एक लकड़ी मिल गई बड़ी, ये लगा दी इससे, इंशाल्लाह हमारी जो ये खाना वही पुलाव वगैरह है ये बन जाएगा। अभी फिलहाल इतने कामयाब हो गए फिलहाल, हाँ फिलहाल, और फिलहाल ये बारी आ गई है, और फिलहाल चावल भी आ गए हैं। अभी मैं बिस्मिल्लाह करते हैं, ये साफ हो गए मेरे घर में, अभी डालेंगे, लेट्स सी आज हमारे चावल बनते हैं कि नहीं बनते। अब मज़ेदार दिखाता हूँ आपको, यहाँ से भूख लगा। ओहो के लिए पानी रखा हुआ है, तो जाते हैं और देते हैं सिस्टर को, ये ले डाल दूँ। हाँ, इस तरह से चावल ढल गए माशाल्लाह से, और आज आग पे बने हुए चावल खाएंगे, इंशाल्लाह जायका होगा। कमेंट बताएं अगर आप आपने आग पे चावल या डिश कोई बनाई है तो जायका कैसा था, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी आग माशाल्लाह से ठीक लगी हुई है, एक ही लकड़ी लगी हुई है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हो जाएगी इसके ऊपर। ओहो धुआँ, अभी पानी सूख गया है तो डब्बे की तैयारी है। अभी इसको आग को कम कर रहे हैं कोयलों की, जो हीट पर ये पकेगा, जो पानी थोड़ा सा रह गया चावल मज़ेदार से हो जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आपको चावल दिखाते हैं जो तैयार हो गए माशाल्लाह से, मज़ेदार किस्म के सही धुएँ निकल रहे हैं। इसको ले जाते हैं नीचे, क्योंकि हम छत पे बनाए, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको रखते हैं। चलो जी, गर्मा गर्म मज़ेदार चावल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, मुँह में पानी आ रहा है, भूख भी लगी। 3:30 बज चुके हैं दिन के, सर्दियों में 3:30 बजे मतलब आधा दिन गुजर गया है, शाम हो गई है। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अगर आपने भी खाने, आपके मुंह में पानी आ रहा है तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह करते हैं।
खाना खाने के बाद थोड़ा मसरूफ़ हो गया था, इस करके आगे वीडियो नहीं बनाई। तो अभी शाम का टाइम हो गया, वीडियो एडिट करूँगा क्योंकि अपने स्टूडियो में आ चुका हूँ। एडिट करके अपलोड करूँगा ताकि आप तक वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको ज़ुमान रखे। अल्लाह हाफिज़।